हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रहा है क्लियरली सबको? आपको आवाज क्लियरली आ रहा है? प्लीज मैसेज कर दो एक बार सो वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है क्लियरली? आवाज आ रहा है क्लियरली? हेलो, यस, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चलो गुड इवनिंग। सो वी कैन स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है ना? ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। सी, बेसिक हमने अलजेब्रा का डेमो लगाया हुआ है जो मैथ्स का आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो जनरली आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ही करवाने वाला हूँ मेनली, और कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करवाने वाले, कोर्स कैसे रहेगा, ड्यूरेशन एंड ऑल, ये सब डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन लास्ट, ठीक है? तो सेशन के लास्ट में आप जाओ डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सी, सिंपल सी चीज है, अगर आपको मैथ्स का स्टडी करना है तो मैथ्स में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको क्या करना है, मैथ्स का जितने भी फॉर्मूलाज है या जितने भी कंसेप्ट है, ये मैथ्स में आपको लिख के करना पड़ेगा। मैथ्स आप रीड करके या याद करके नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपने रट्टा कर लिया आपको हो गया। मैथ्स का आपको एक तो पहली चीज तो रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से हार गया था, बिकॉज रेगुलर स्टडी नहीं होने की वजह से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है ना? तो मैथ्स को आपको रेगुलर स्टडी करना है सो दैट मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो प्लस सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज की ट्राई करना, जितने भी आपको फॉर्मूलाज पता है, ट्रिक्स पता है, इनको अप्लाई करना सीखो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो सो दैट जल्दी जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट वन इज द प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? कम से कम डेली आप 10 क्वेश्चन भी करते हो ना, देखो आपके पास 4-5 मंथ्स का टाइम है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 1 महीने में 30, इस हिसाब से 4-5 मंथ्स में आपके नहीं हुए तो कम से कम 3 महीने में 300, मतलब 1 महीने में 300 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चन आप खाली मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि मैथ्स का आप मतलब एक हफ्ता पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर दो या 15 दिन पहले कर दो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास टाइम है अभी तो टेक योर टाइम, डेली 10 क्वेश्चन ही करना, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये स्ट्रेटेजी आपको रखना है, ठीक है? सोचिए कि अल्जेब्रा में जो जो टॉपिक्स गिवन है, अल्जेब्रा में जो जो टॉपिक्स बोले हैं उसमें मेनली आता है आपका फंडामेंटल ऑपरेशन जो होता है अल्जेब्रा के, एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है, जितने भी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला है, एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज है, अल्जेब्रा है। उसके बाद बोडमास का रूल भी बता होगा आपको, ठीक है ना? ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले वैसे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन है, इंडाइसेस है, लॉगरिथम है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन उन्होंने बोला हुआ है, और कुछ स्पेशल सीरीज के भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है ना? स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लास्ट टाइम 2 से 3 क्वेश्चन बस इस टॉपिक के ऊपर आए थे और मैंने बोला भी था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये चैप्टर पे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, इस टॉपिक पे। लॉगरिथम का क्वेश्चन 2020 में आया था, ठीक है? और सीक्वेंस सीरीज का भी एक बार 2021 में एक क्वेश्चन आया था। तो आप देखोगे तो अलजेब्रा से ही ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान देना है। तो देखो फंडामेंटल से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहला जो आता है आपका बोडमास रूल, जो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? इसे क्या बोलाते हैं, बोडमास, ठीक है? लॉन्ग फॉर्म उसका आपको पता है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑर्डर मतलब क्या होता है, 2 का रेस्ट पावर 3, है ना? इसको हम ऑर्डर बुलाते हैं, ठीक है? This is called as a order. अब देखो वैसा देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा रूल है ये, बहुत ही इजी वाला, बट जनरली क्या होता है कि मतलब हम इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए एग्जाम में जितने भी छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो गलत हो जाते हैं। जनरली क्या है, आपको सीईटी में स्कोर करना है तो वहां पे आपका एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, जिसका मोर देन 90% एक्यूरेसी है उसका स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है, निगेटिव मार्किंग आपका उतना कम होता है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा कैसे रहेगी, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपके फास्ट होना, और बोर्डमास आपको आपको हेल्प करता है। तो बोर्डमास में देखो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, जो भी कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा, आपका ब्रैकेट पहले ओपन होगा। सही, एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आएगा, फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ हमेशा, 5 × 5 / 5 + 5, ठीक है ना, और -5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनीवन कौन बता पाएगा मुझे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी ट्राई करो। चलो फर्स्ट, 5 × 5 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 5 + 5 - 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
एनीवन, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बहुत इजी वाला है, बेसिक वन है। देखो पहले डिवीजन करना है अकॉर्डिंग टू द रूल, उसके बाद करना है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करना है एडिशन, उसके बाद करना है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट का सवाल तो नहीं आता इसमें, ठीक है। निखिल 5 बोल रहे हो, ओके। अदर, एनीवन, सिद्धि, वैभव, बाकी लोगों का तो बेसिक है ही ना, ओके। आपका भी 5 आया, गुड। सी देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 5 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है। पहले डिवीजन बोला हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल डिवीजन पहले होना चाहिए। तो मेरा देखो 5 × 5 / 5 कितना आ जाएगा, 1 + 5 - 5। उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। देखो आपने यहाँ पे अगर एडिशन करते हो तो पूरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा पहले, यस वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन 5 + 5 - 5। तो इसके बाद आप चाहिए तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा, 5 बचेगा, वेरी गुड, ठीक है। साहिल, प्रोसेस के बारे में जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियोस लूंगा, ठीक है ना। अभी ये बस नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए डेमो चल रहा है। आपका सेशन होंगे, जब भी डेटा आएगा आपके सब सेशन रहेंगे, ठीक है ना। कन्हैया, सब जो क्लासेस रहेंगे वो जूम पे ही होने वाले हैं, ये बस फर्स्ट वन जो है ये आपका लाइव हो रहा है यूट्यूब पे। इसके बाद सब लेक्चर जो है दे आर ऑन जूम मीटिंग होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसमें। चलो फर्स्ट 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं करवा के देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो क्या दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 10, और उसके अंदर एक ब्रैकेट है, 12 - 6 दिया हुआ है, फिर ये सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको पहले ब्रैकेट्स करने हैं, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट्स करने हैं, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। सबसे पहले देखो बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, मतलब ब्रैकेट आएगा, तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट का कितना आंसर होगा, देखो यहाँ पे 1800 / 10, ठीक है ना, 10 as it is है। यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट होगा, ठीक है, दो ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है देखो सेकंड वाला, उसका आंसर कितना आएगा, 24 - 12, मतलब वो भी 6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट है ये भी, और देखो अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर वापस एक ब्रैकेट है, सही है, ये सबसे बाहर वाला ब्रैकेट था, 1800 as it is है। देखो ये पूरा इस साइड का जो टर्म है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको ये पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट पहले आपको सॉल्व कर लेना, देन ओनली आपको बाकी के ब्रैकेट की तरफ जाना है। जैसे देखो ये 10 as it is, ठीक है, ये 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, वापस इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1800 / 1 ये कितना हो जाएगा, 180, मतलब फाइनल में क्या है आपका, 1800 / 1 तो 0 0 कैंसिल, यस 10 निकल, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 10, तो 10 इज योर फाइनल आंसर, 10 क्या हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो नोट इट डाउन फास्ट। और किसी का आया, देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक टॉपिक कवर करने वाले डिटेल में, अब तक सो दैट हमारे पास टाइम भी अभी अच्छा खासा है, कि 4-5 महीने का लीड मिला है, तो आराम से हो सकता है उसमें, ठीक है ना, कवर कोई इश्यू नहीं उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लेना है इसका सब लोग, ठीक है, वेरी गुड कन्हैया, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या देखो, ये -2 और ये ब्रैकेट, देखो कर्ली ब्रैकेट है, देखो वापस निकाल रहा हूँ, यहाँ पे -2 है, उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद कर्ली ब्रैकेट है, और उसके बाहर 10 है, सही है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, अंदर का ब्रैकेट चलेगा, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होगा, अंदर का, देखो ये वाला, ये सबसे पहले सॉल्व होगा, जो कि कितना आएगा तुम्हारा, 1/2 एज इट इज रहेगा, ये -2 है, तो इट विल भी कितना हो जाएगा आपका, 3, ये बचा हुआ 10 वापस, ये आया आपका 10, क्लियर है। तो आगे सॉल्व करके होगा -2, इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -6 × 10, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले सब ब्रैकेट सॉल्व होते रहेंगे, तो 1/2 हो जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा -60, तो आंसर आ जाएगा -30, कितना आ जाएगा, -30 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है, यस वेरी गुड यश। और किसी का आया था आंसर, -30 इज योर फाइनल आंसर, वेरी गुड, चलो ठीक है, गुड, इजी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
72 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2। 3 ऑफ 2 मतलब ये ब्रैकेट में होता है एक्चुअली, 3 ऑफ 2 मतलब ठीक है ना, ये ब्रैकेट होता है 3 ऑफ 2 मतलब ऐसा, 3 ऑफ 2 मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 होता है ऐसे, 3 का अंदर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। बट अगर 3 ऑफ 2 लिखता है तो आपको 3 इंटू 2 होता है ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि वो ब्रैकेट है, वो क्लियर हुआ है आपको आई थिंक, बाकी कुछ तो ज्यादा है नहीं उसमें। तो देखो ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ठीक है। अभी पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट होगा, देखो अभी ये भी 3 ऑफ 2 है तो उस केस में क्या होता है, 3 ऑफ 2 मतलब 3 के साथ ब्रैकेट में 2 है तो ये मल्टीप्लाई में होता है, मतलब ये पहले प्रायोरिटी आ जाता है। तो 72 माइनस 12 है डिवाइड बाय 3 है तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 3 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा लाइक, समझ में आया ना, 3 ऑफ 2 होता है तो ये पहले आता है, मतलब ये बोर्ड मास का जो ब्रैकेट है ना उसमें आ जाता है सही है। प्लस 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 4, ये ध्यान रखना ठीक है, इसमें गलती करते थे बच्चे की ऑफ समझ में नहीं आता उनको। तो ये क्या हो जाएगा 12, इधर क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा डिवाइड बाय वापस क्या आया 4, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना मिला मुझे 12 मिला सही। अभी देखो इसको वापस सॉल्व कर रहा हूँ 72 एज इट इज है, अभी ये डिवाइड में तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 2, ब्रैकेट कंप्लीट। प्लस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आया तुम्हारा 70 प्लस 3 तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 73। किसका किसका है एनीवन, 73 इज योर फाइनल आंसर, 73 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है? यस वेरी गुड निखिल, यस वेरी गुड, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 73। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे एनीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है ना। देखो यहाँ पे 17 माइनस 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 प्लस 8 दिया हुआ है तो 17 एज इट इज है माइनस, अभी देखो डिवाइड पहले होगा 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 है प्लस 8 है ठीक है ना, तो 17 एज इट इज रहेगा, ये कितना आएगा 6 4 जा तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे राइट, 6 4 जा तो 4 इंटू 4 प्लस 8 हुआ 17 एज इट इज माइनस 4 4 सा 16 प्लस 8 तो 17 माइनस 16 कितना हुआ 1 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना मिला 9, फाइनल आंसर इज 9। फाइनल आंसर कितना है 9, यस यस वेरी गुड, बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हार्ड लेवल अपने आप आता रहेगा ठीक है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आकाश इस साल का एग्जाम मार्च में होगा डायरेक्टली ठीक है ना, अगर कोरोना का कुछ सिचुएशन नहीं होता, लास्ट टाइम भी उन्होंने उसी टाइम प्लान किया था बट बिकॉज ऑफ कोरोना पोस्टपोन हुआ था। चलो 2 मिनट का, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, कर लो ट्राई इसको सब लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू 5 प्लस 16 इंटू 4 है, ये ऑर्डर है ठीक है ना, ये ऑर्डर है ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन है ठीक है, यस एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, यस एडिशन पहले होगा सब्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ता निखिल, क्योंकि मतलब वो सेम ही एक लाइन में आता है ना, तो आप एडिशन कर लो या सब्ट्रैक्शन कर लो फाइनली वही बचता है ना, तो आंसर वही सेम ही आता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे इसमें बताओ, मल्टीप्लिकेशन है पहले, डिविजन भी है, फिर माइनस वन है, अभी देखो इस ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब देखो ये ब्रैकेट में होना चाहिए था तभी ये पूरा था ठीक है, यहाँ पे वैसा ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये टू बस जो है फोर को डिवाइड है, टू जो है इट इज ओनली डिवाइडेड टू फोर, ये वाला टर्म, और ये माइनस वन अलग से दिया हुआ है ठीक है ना, लास्ट वाले में अलग था, नहीं ऐसा नहीं होगा कभी, फाइनली जो बचेगा उसमें मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है ठीक है ना। देखो इसमें देखो अभी 2 रेज़ टू 5 कितना आएगा, व्हाट इज द 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 3 कितना होता है 8 होता है, 2 रेज़ टू 4 16 होता है, 2 रेज़ टू 5 जो होता है इट इज अ 32, 2 रेज़ टू 5 कितना आता है आपका 32, अभी 16 4 जा होता है आपका 16 4 जा कितना आएगा 32 एंड 64 होता है वो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं ठीक है ना, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस 1 हुआ, अभी देखो ये तीनों तो एडिशन में, तो एडिशन होगा पहले ठीक है, कन्हैया गलत कैसे हुआ बेटा, एडिशन होगा ना पहले ठीक है, तो एडिशन में देखो वैसे देखा जाए तो ये 1 आ रहा है प्लस, इन दोनों का ऐड करके इतना हुआ ये 6 और ये 9, 96 प्लस 1 आ रहा है तो 97 इज योर आंसर ठीक है, 97 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है?
फाइनल आंसर हो जाएगा प्रसाद, वेरी गुड, 97 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। चलो आगे चलते फिर, अभी सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ओके नेक्स्ट, ये वाला बता दो, इसमें भी प्रॉब्लम होता है ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं बट ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी बहुत बच्चों के मार्क्स चले गए ठीक है। तो आप कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है अगर आप अच्छे से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो। और सीईटी का भी ऐसा हुआ कि वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकता है, तो जितना ज्यादा प्रिपरेशन रहेगा उतना बेटर, अच्छा कॉलेज मिलने का। मतलब अगर इस साल देखोगे तो 100 के ऊपर मतलब 10-15 बच्चे भी नहीं गए स्कोर ठीक है, इतना उन्होंने हार्ड पैटर्न निकाला था। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना आपको मार्क्स अच्छा ऐसा आएगा, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहां से भी पैटर्न उठा के डाल सकते हैं। तो ये वाला चीजों का ध्यान रखना। देखो अभी यहाँ पे अगर देखोगे इसका और इसका बेस 3 है ठीक है, इसका भी एलसीएम कितना 9, मतलब डिनोमेटर 9 है, तो सबका अगर 9 रहेगा तो बेटर है। इसका 9 करने के लिए क्या होगा, 32 × 3 / 3 × 3 ठीक है, प्लस 46 9 एज इट इज, −14 × 3 / 3 × 3। तो यहाँ पे देखो ये भी 9 हुआ, ये भी 9 हुआ, ये भी 9 हुआ, तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, ये 96 प्लस 46 एंड 42 बराबर ना, ये 42 आ जाएगा नीचे, और नीचे कितना आया 9। तो ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पहले ऐड होंगे, तो ये 2 आया और ये 10 और ये 14, 142 −42 आ, सही है, डिवाइड बाय 9। तो ऊपर कितना बच रहा है, 100 डिवाइड बाय क्या आ रहा है, 9। तो 100/9 आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके आई थिंक सैम का सही आया था, बस प्रसाद आपका गलत हुआ है, सिद्धि आपका भी बेटा गलत हुआ ना ठीक है ना, सही से चेक कर लो, रोहित गलत हुआ था आंसर ठीक है। 100/9 आई थिंक आपने 99 लाया आंसर ठीक है ना, एक छोटी सी मिस्टेक से वैसे देखो चले गए ना वहां से आप। तो यही चीज करते हैं हम एग्जाम में, हमें लगता है कि हम सही करके आए हुए और हम एक्चुअली यहाँ पे −1.5 दे के आ जाते हैं, सही है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना, आगे नहीं किया उन्होंने, 100/9 आया हुआ। चलो ठीक है, चले आगे फिर, सिंपल था क्वेश्चन, देखो ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, आराम से हो सकते हैं। अभी देखो सम ऑफ द, उन्होंने जो लॉस बताया हुआ है ठीक है ना, एक्सपेंशंस बोला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखो ये वाला सबसे पहला जो बेसिक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर जो होता है, इट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें माइनस जब कॉमन निकालते हो तो ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर बन जाता है, और माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आता है, प्लस 1 ही आता है। तो फाइनली ये ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ही बन जाता है, फर्क नहीं पड़ता उससे, बट फिर भी इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, तो इसलिए अलग से लिख के दिया हुआ है ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, सेकंड वाला जो उसके बाद तुरंत आ जाता है कि a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो होता है ना आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बस ये प्लस माइनस का डिफरेंस यहाँ पे, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड वन, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये वाला भी चीज है, देखो जैसा मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ कि √7 + √5 × √7 − √5, अभी तीन लॉस पड़े अपने राइट है कि नहीं, तीन फॉर्मूलास पड़े। चलो इसका आंसर क्या आएगा बताता हूँ मुझे, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब देखो रूल्स बहुत हमें पता है, आई थिंक मैं मुझे मेरे हिसाब से जितने बच्चे अभी लेक्चर कर रहे हैं सर हर किसी को पता होगा, पर फिर भी बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होता है अप्लाइंग में, हम अप्लाई नहीं कर पाते, ये चीज हो जाता है। क्या आएगा इसका आंसर, एनीवन एनीवन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ फास्ट, सिंपल सा है ना, देखो ना बहुत इजी वाला पूछा है मैंने कि √7 + √5 दिया हुआ है √7 − √5 दिया हुआ है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू आया, ओके वेरी गुड प्रदीप, एनीवन और बाकी कोई और बता पाएगा, वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड, टू आ जाएगा और वेरी गुड। तो देखो सिंपल से चीज है, ये मैं इसको ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, और ये वापस ए ये बी हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा √7 2 − √5 2, ये चीज हो रही है। तो √7 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, तो 7 − 5 = कितना हो जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 2 ठीक है। यस अश्विनी, 2020 का प्रिपरेशन चल रहा है अभी ठीक है। अभी नेक्स्ट वन देखो, ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर लिया है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca बन जाएगा ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो जाएगा। अभी देखो फोर ये 5 6 7 अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन 8th वाला भी डायरेक्टली 9th के ऊपर चलते भी, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th में क्या आएगा आपका, ए प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब है इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी। जनरली देखो ये इसका एक फॉर्मेट हमने जनरली बचपन से पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। उसी को उन्होंने सिंप्लीफाई कर में सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इसमें देखो वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने बस ये किया हुआ है। देखो आप इन दोनों टर्म्स को देखो, ए क्यूब को और बी क्यूब को साथ में ले लो और इन दोनों से ए बी कॉमन निकालो, 3ab, देखो दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज प्लस 3ab एंड बाहर क्या आएगा ए प्लस बी। अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना आना इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा फॉर्मूला है बट याद करना है, फॉर्मूला को आप ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखो, 10th में भी बस माइनस का साइन आया हुआ है, तो माइनस में क्या हो जाता है अल्टरनेट आ जाता है, माइनस में क्या आ जाता है बच्चों अल्टरनेट। देखो जैसे ध्यान दो यहाँ पे क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब है ना, मैं इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब है। तो देखो ध्यान दो, ये सेम फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला याद रखना है, कुछ अलग से नहीं करना है आपको, ठीक है। ए क्यूब उसके बाद क्या आता है माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, आया कि नहीं अल्टरनेट प्लस माइनस, देखो माइनस उसके बाद प्लस वापस माइनस, ये चलता रहता है। अगर आप रेस्ट पावर 4 लोगे तो उसमें भी क्या आएगा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। हम जो बायनोमियल थ्योरम नाम का एक चैप्टर देखो, बायनोमियल थ्योरम करके, बायनोमियल थ्योरम उसमें ये सब पढ़ने वाले कि एक्सपांशन कैसे होते हैं, तो ये डिटेल में होगा आपको और उस टाइम पे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अभी 11 एंड 12 ये वाले बच्चों में देखो, आप जनरली कंफ्यूजन किस में करते हो, 9th 10 एंड 11 12 में कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो अभी 11th वाला जो है ना, 11th वाला देखो वो क्या है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा पहले ब्रैकेट में आ जाता ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में आ जाता ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, सही है, ये बन जाता है मेरा सेकंड ब्रैकेट। और ये क्लिक होना इंपॉर्टेंट है, ये क्लिक होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया सबने एवरीवन, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज आपको देखो देखो कितने लोगों को क्लिक होता है, पहला ब्रैकेट दिया हुआ मैंने x प्लस वन, सेकंड ब्रैकेट बोला मैंने x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस वन बताया, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट क्या बोला मैंने x स्क्वायर माइनस x प्लस वन दिया हुआ है, और इसका उन्होंने बोला है कि इसका इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, तो आंसर में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है x क्यूब माइनस वन दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है x क्यूब प्लस टू दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है x क्यूब प्लस वन दिया हुआ है। व्हाट इज द आंसर, व्हिच वन इज राइट, व्हिच वन इज राइट एवरीवन, जल्दी फास्ट बोलो, चलो सर्वानंद 2020 में कब है एग्जाम, 2020 में मार्च में एग्जाम होगा, वापस बता रहा हूँ, पैटर्न हर साल बहुत बढ़ रहा है, हार्ड होता जा रहा है। देखो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा प्रदीप, वेरी गुड बेटा, तो 2019 में बस 12,000 स्टूडेंट जी उन्होंने मतलब क्लियर किया था एग्जाम, 2020 में ये जो नंबर था ये तुम्हारा 15,000 हुआ था, और 2021 में ये नंबर जो है ये 20,000 हुआ है, तो आपके टाइम पे आप आराम से 25,000 तक काउंट कर सकते हो। कॉलेजेस तो वैसे जो टॉप के कॉलेजेस हो तो बढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, जो टॉप कॉलेजेस जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है दे आर वेरी फ्यू कॉलेजेस, एमसीएन पे मतलब उंगलियों पे गिन सकते इतने कम कॉलेजेस है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। आगे के सेशंस होंगे जिसमें हम कैप के बारे में बताएंगे, अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सेशंस भी अटेंड करो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यही चीज है कि कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं, तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है तो 90 प्लस परसेंटाइल या 93 प्लस परसेंटाइल इस बार में, तो इतना अगर आपका आया था, परसेंटाइल बोल रहा हूँ यहाँ पे, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल होता है ये सिस्टम, ठीक है, परसेंटाइल आएगा तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो ये प्रिपरेशन रेगुलर होना चाहिए तभी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका देखो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये ए प्लस बी हुआ और ये आया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अभी वन है नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वन का स्क्वायर भी होगा ना, देखो ये वन स्क्वायर होगा यहाँ पे, वन इंटू एक्स होगा, तो ये क्लिक होना चाहिए,
नेसेसरी नहीं है कि हमेशा दिस इनटू ये होता है, यहां से भी आपको उल्टा जाना आना चाहिए, ठीक है ना। बोथ वैसे होता है ना, राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, क्लियर है। बी किसी ने बताया था गलत है, बस दो लोगों के सही आए थे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो वही मैं चीज बता रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना अच्छे से, ठीक। ओके बाकी के भी बचे हुए हैं ना शायद से। हाँ अभी देखो ट्वेल्थ वाला हुआ हमारे यहाँ पे, ट्वेल्थ वाला तो सही हुआ हमारे यहाँ पे, एक मिनट, ट्वेल्थ वाला फॉर्मूला सही हुआ, इलेवन ट्वेल्थ हुआ। थर्टीन का जो है आप देख सकते हो, इस पे पॉसिबिलिटी है शायद से, एमसीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार, एमसीए में भी उन्होंने इस बार मतलब ऐसे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पूछे तो इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। सही, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स -3ABC दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आएगा, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -AB -BC -CA लास्ट में, ठीक है ना, -CA नोट डाउन कर लेना, बस नोट डाउन करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है, अगर इस मतलब बाय डिफॉल्ट आता है क्वेश्चन तो थोड़ा एक आपको ऐड करना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये हुआ 13 वाला क्वेश्चन। ओके अभी जो इम्पोर्टेंट है, जहां पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2020 में भी एक आया हुआ है, ठीक है ना, तो जहां पे एक्सपेक्टेड मतलब इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली देखो क्वाड्रेटिक मतलब हमें क्लियर की बात करते हो, डिसाइड कैसे होता है, देखो एक्स प्लस बी लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, वन है, तो इसको एक्स का पावर वन है, तो एक्स का पावर के ऊपर डिसाइड होता है, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी या हाईएस्ट पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको बुलाते हैं। जैसे इसको क्या बुलाएंगे हम, लीनियर बुलाएंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ तो इसको क्या बुलाएंगे हम, क्वाड्रेटिक बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री कितनी है इसमें, टू है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई, तो इसमें क्या है, थ्री आया ना हाईएस्ट डिग्री, कितना हाईएस्ट, थ्री है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक। और वही अगर मैं एक्स रेस्ट पावर फोर से स्टार्ट करता तो ये बाय क्वाड्रेटिक बुलाते, ठीक है ना, तो यहाँ तक होता है, बट हमें क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, ये बस जनरली मैंने बता दिया, अभी ये हो गई चीज, ठीक है ना। अभी क्वाड्रेटिक टेंथ में भी था आपको, कि टेंथ में आपको पता था कि कोई क्वाड्रेटिक दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू दिया हुआ है, और आपको उसके रूट फाइंड करने के लिए आता था, आप आराम से फाइंड कर लेते थे कि इसके रूट जो अगर मैं फाइंड करूंगा सर फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो रूट्स हो जाएंगे -1 एंड -2। बट व्हाट इज मीन बाय रूट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय रूट, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशंस भी बुलाते हैं, अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो उसमें जीरोस ऑफ द इक्वेशंस भी बुलाए हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हुए हैं, बट मीनिंग फाइनली एक ही होता है। तो रूट्स मतलब क्या होता है, जहां पे द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो, ऐसी x की वैल्यू है जहां पे आपका जो x फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे देखो f(x) इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 5x क्या लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। तो जैसे देखो मैंने फंक्शन में x की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर 5 × 0 -6, तो फाइनल आंसर कितना आया, -6। ये जीरो आया क्या, नहीं आया। सपोज मैंने जीरो क्या पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, वन पुट करने के बाद कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर 5 × 1 -6, तो 1 पुट करने के बाद कितना है, 1 × 5 -6, तो क्या हुआ है, 6 - 6 कितना हुआ, 0। तो क्या हुआ, x के at at x equals to 1 at x equals to 1 f of x क्या हो रहा है तुम्हारा, 0 हो रहा है, बोल सकते हैं ना ऐसे, at the value of x equals to 1 f of x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, then we can say that x equals to 1 is a root of equation, is a रूट ऑफ इक्वेशन, जहां पे तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसी को क्या बुलाते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी देखो रूट का और एक ग्राफ के टर्म्स में अगर बताना है, ये तो हुआ मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, ठीक है, अभी ग्राफ्स में बात करते हैं। अभी देखो एक बात बताता हूँ मैं, सिंपल सा लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में मान लो मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा, क्या लिखा, एक्स प्लस वन, ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ y मतलब f of x बुलाते हैं, y को f of x बुलाते हैं। सपोज मैंने क्या किया, पुट x equals to -1, x की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया। अभी -1 पुट करने के बाद y क्या आएगा, x की जगह -1 + 1 कितना हुआ, y 0 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जब मेरा x 1 था y क्या हो रहा है, -1, तो -1 is called as the root of equation, -1 को क्या बुलाएंगे, root of equation, इसमें किसी को कोई डाउट, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर जीरो आ रहा है तो रूट है, नहीं आ रहा है तो रूट नहीं है। अभी ग्राफ में इसको जब मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे जीरो हो रहा है, अगर आप इसका लाइन ड्रॉ देखोगे तो ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका वाई -1 आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आपने नोटिस किया कि जहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर कर्व
कर्व्स एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस वो क्या करता है, कट करता है। लाइन ऐसा क्यों आता है ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ बस देख लो कि ये लाइन जा रहा है, जाते जाते ये माइनस वन है, जीरो पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वही क्या होता है तुम्हारा रूट ऑफ इक्वेशन, वही क्या होता है रूट ऑफ इक्वेशन। और जितनी डिग्री है, जहां पे देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है लीनियर इक्वेशन, डिग्री कितनी है वन है, तो रूट भी कितना आ रहा है, मैक्सिमम रूट कितने आएंगे वन आएगा, मतलब जितनी बार कट करेगा वही क्या होगा तुम्हारा रूट होगा। सिंपल सी लॉन्ग कंसेप्ट है ना, जितनी बार कट करेगा उतनी बार क्या होगा रूट होगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, देखो अभी ध्यान दो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये पहला केस है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे बताओ। ये सेकंड केस है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे बताओ। ऐसा तो नहीं आता है ग्राफ, पर ठीक है फिर भी इस सेकंड वाले में इक्वेशन में रूट कितने आएंगे, ठीक है। ये थर्ड केस है, ये थर्ड केस में रूट्स कितने आएंगे बताओ। आपके पास तीन केसेस रखे हुए हैं, फर्स्ट केस में कितने रूट्स आएंगे, सेकंड केस में कितने रूट्स आएंगे, थर्ड केस में कितने रूट्स आएंगे, ठीक है। तीन ग्राफ्स है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जितनी बार ग्राफ क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को कट करता है उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं रूट्स होते हैं। तो पहले केस में कितने रूट्स आ रहे हैं, लेकिन तीन, तीन ही आ रहा है जितनी बार कट करता है, ठीक है ना। जितनी बार एक्स एक्सिस को कर्व क्या कर रहा है, कट करता है, उसे क्या बुलाते हैं, नंबर ऑफ रूट्स बुलाते हैं। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे, एनीवन, निखिल ने तीन बोला। देखो मैंने ऑलरेडी बताया था लीनियर में क्या कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना हुआ, एक हुआ, ठीक है ना। कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, एक बार, तो नंबर ऑफ रूट्स आर वन। तो इस केस में कितने आएंगे, श्याम वेरी गुड, निखिल वेरी गुड, रोहित वेरी गुड। तो देखो ना कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार कट किया, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे एक बार किया और यहाँ पे एक बार किया, टोटल कितनी बार कट किया, चार बार। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, चार, क्लियर है ना। जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे, तो अगर फोर टाइम्स कट कर रहा है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे, फोर रहेंगे। नाउ टेल मी अबाउट सेकंड केस, टेल मी अबाउट सेकंड केस, सेकंड केस में कितने रूट्स रहेंगे, सेकंड में कितने रूट्स रहेंगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ रूट्स इन सेकंड केस, एवरीवन जल्दी फास्ट, श्याम वेरी गुड, तीन आएंगे, निखिल टू का थ्री आएगा, वेरी गुड, वन का फोर, थ्री का, वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड। तो सेकंड केस में देखो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो टोटल कितने रूट्स हो गए, तीन रूट्स हो गए, कितने रूट्स हो गए, तीन। यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड केस में कितने आएंगे, थर्ड केस में कितने आएंगे, थर्ड केस में नंबर ऑफ रूट्स क्या है, कट ही नहीं कर रहा ना, देखो एक्स एक्सिस नीचे से जा रहा था ऐसा, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा और कर्व क्या हो रहा है ऊपर से चला जा रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ रूट्स होंगे जीरो। नाउ इन दिस केस द नंबर ऑफ रूट्स आर जीरो, कुछ भी रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, कोई रूट ही नहीं आएगा इसका, नंबर ऑफ रूट्स जितने रहेंगे इसमें जीरो आएंगे। थ्री का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है, थ्री का आंसर क्या आएगा, जीरो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलते फिर आगे। अभी रूट्स निकालने के तरीके कैसे होते हैं, देखो जनरली रूट्स हमने टेंथ में पढ़ा है, पर आई थिंक बहुत बच्चे भूल गए इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ। देखो सबसे जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो इसको हम देखने ही नहीं वाले, मतलब आपको एग्जाम में जरूरत भी नहीं है। देखो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से रिलेटेड आपको रूट निकालना होता है, सॉल्विंग करना होता है, डायरेक्टली आपको रूट्स कोई नहीं पूछेगा आपको एमसीए लेवल पे, तो ये मेथड तो वैसे भी नहीं होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब फास्ट मेथड होता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बट फिर भी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। सबसे श्योर शॉर्ट जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहाँ पे आपको गलती होने की बिल्कुल ही चांसेस नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स इक्वल टू होता है रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू है, ठीक है ना। तो हमें अभी ये सेकंड वाले और थर्ड मेथड के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना, सेकंड एंड थर्ड मेथड के बारे में। तो ये फॉर्मूला मैंने जस्ट बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो सेकंड मेथड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सी ध्यान दो। जनरली आपको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है मैंने, देखो एक ही क्वाड्रेटिक को घुमा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स फाइव एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है, इक्वल्स टू क्या बोला आपको, सपोज जीरो बोला। तो आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो अभी टेंथ का टॉपिक है, आपने उस टाइम पे किया नहीं था, आप ट्राई कर लो, चाहिए तो कितने रूट्स आते बताओ मुझे, देखते कितने लोगों का सही होता है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Anyone?
इसके रूट्स बताने हैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं। 2 एंड 3 ओके, सिद्धेश बोल रहा है सर 2 एंड 3 आएंगे ओके। और एनीवन? -5 -1 ओके। और चलो ठीक है, देखो बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं, बहुत बेसिक है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स आपको और कितने मतलब करने की जरूरत है। बहुत ही मैंने एक्चुअली हार्ड क्वेश्चन तो दिए भी नहीं है, मैंने बहुत इजी वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत ही बेसिक वन है ओके। अंचल आपका क्या कहना है कि -2 -3 ओके। रोहित -4 -6 बाबा। एनीवन? और कोई? सी इसके रूट जो है ना, इसमें से बस एक ही पर्सन का आंसर सही था, आंसर मौर्य का, ठीक है। -2 और -3 इसके रूट हो जाएंगे। सी देखो इतना बेसिक है, देखो सिंपल सी कंसेप्ट क्या होता है कि लास्ट में अगर पॉजिटिव +6 आया हुआ है तो आपके +6 के फैक्टर्स देखने होते हैं। +6 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 × 3 आएगा, सेकंड आएगा -2 -3 सही है। तो -2 -3 क्या हो रहा है? देखो 2 और 3 एक फैक्टर आ रहा है, -2 -3 आ रहा है। अभी क्या देखना है कि उनका एडिशन इतना होना चाहिए +5। तो किसका एडिशन +5 होगा? 3x + 2x का। 5x को डिवाइड कैसे किया हमने? 3x + 2x + 6 = 0। इनमें से अभी देखो दो दो का ग्रुप बना लिया, इसमें से x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन आया यहाँ पे भी बचा x + 3। वापस x + 3 x + 3 क्या निकला? दोनों में से कॉमन, तो पहले ब्रैकेट में आया x + 3, सेकंड ब्रैकेट में आ रहा x + 2, तो = 0। तो पहला एक तो x + 3 = 0 होगा या x + 2 = क्या आएगा? 0। तो x = कितना रहा यहाँ से? -3। और x = यहाँ से कितना रहा? -2। तो राइट आंसर इज -3 - -2, जो बस एक या दो पर्सन का आया था, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए आपको कि आप अगर मैं +5 लिख रहा हूं तो 6 के फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसका एडिशन क्या हो? +5। अभी देखो थोड़ा चेंज कर देता हूं, ओरली बताने का ट्राई करो, ओरली बताने का ट्राई करो। अगर मैं दे रहा हूं x² - 5x + 6 दिया हुआ = 0, इसका क्या आंसर आएगा? देखो छोटा सा चेंज किया मैंने, माइनस प्लस की जगह बस क्या कर दिया यहाँ पे? माइनस कर दिया। बताओ क्या आएगा आंसर? टेल मी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? x² - 5x + 6 दिया हुआ। देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जा रहे हैं, वेरी गुड प्रदीप। देखो फाइनली क्या है, मल्टीप्लीकेशन जो आपका कितना आना चाहिए? +6 आना चाहिए, राइट। 6 के फैक्टर्स अगेन क्या आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है ना। -2 - -3, 2 × 3, वैसे 6 × 1 भी आता है और -6 - 1 भी आता है। अब देखो एडिशन कितने आने चाहिए? -5 आने चाहिए। देखो एडिशन की अगर बात करते हैं, इनका एडिशन ऑलरेडी हमने देखा था +5 आता है, इनका एडिशन +7 आएगा, इसका एडिशन -7 आएगा, और इनका क्या आएगा? -5 आएगा, सही है। इनका क्या आएगा? -5। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या होंगे तुम्हारे? x² - 3x - 2x + 6 = 0, +6 = 0। इसका देखो यहां से मैंने क्या निकाला, x कॉमन निकाला तो x - 3 हुआ, -2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x - 3 हुआ, सही है। तो पहला ब्रैकेट आया x - 3, सेकंड ब्रैकेट आया x - 3 = 0, तो मैं x = क्या हो रहा? 3, 2, तो 3, 2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो इस बार बहुत बच्चों का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इसमें थोड़ा और चेंज किया है, ठीक है। x² + 5x - 6 = 0, इसमें बताओ अभी फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ आपको, क्लिक हो जाएगा कि कहाँ पे क्या लेना है। अभी -6 के फैक्टर्स क्या आते हैं? -6 के फैक्टर्स क्या आएंगे? -3 × 2 - -3 × 2 = -3, 2 × क्या आएगा -3, उसके बाद 3 × 2 हो जाएगा, सॉरी 6 × 1 आएगा, 6 × -1 आएगा और -6 × +1 आएगा, सही, क्लियर है। तो क्या आएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से फास्ट। एनीवन? देखो एडिशन चेक करना, इसका एडिशन -1 आ रहा, इसका एडिशन सही ए लिखा था क्या? -1 ओके, ऐसा इसका एडिशन +1 आ रहा, इसका एडिशन कितना आएगा? +5, इसका एडिशन आएगा -1, कौन सा सही रहेगा? देखो ना आपके पास चार ऑप्शन बता दिए मैंने कि फैक्टराइजेशन इसका ये हो रहा है, कौन सा सही रहेगा ये आपको चेक करना है। x² - 5x + 6 = 0, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2x, ऐसा लेंगे तो दोनों का -5 हो रहा है, विच वन इज राइट?
प्लस फाइव एडिशन चाहिए आपको, यस, सिक्स एंड माइनस वन, वेरी गुड। तो प्लस सिक्स एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, लास्ट वन, सॉरी ये थर्ड वन, ठीक है। तो यहां से ये दोनों का ग्रुप बना लेंगे, एक्स कॉमन निकला पहले ब्रैकेट में, एक्स प्लस सिक्स, माइनस वन कॉमन निकाला, एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में आएगा, एक्स प्लस सिक्स सेकंड ब्रैकेट में आएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो मेरा एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वन कॉमा माइनस सिक्स, रूट क्या बनेंगे, वन कॉमा माइनस सिक्स। निखिल गलत हुआ ना, फिर भी वन कॉमा माइनस सिक्स आएगा ना बेटा, देखो हमेशा रहता है जो पेयर चूज करो ना उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, फिर भी सबने वही लिख रहे हो, सिक्स कॉमा माइनस वन कैसे आएगा, एक्स प्लस सिक्स आ रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू माइनस सिक्स कॉमा वन, ओके रूट्स ये होंगे, सिक्स कॉमा माइनस वन इज राइट पेयर, ओके ऐसा बोल रहे, ठीक है ठीक, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, चलो जल्दी बोलो आगे चल सकते फिर, ठीक गुड। अभी देखो और थोड़ा एक चेंज कर दिया, लास्ट वन, लास्ट चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, आई थिंक सब केसेस स्टडी कर लिए, ये तुम्हारा लास्ट लास्ट केस है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स है, माइनस सिक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, सही है। तो इसका क्या करेंगे, देखो अभी वापस माइनस सिक्स का क्या होगा तुम्हारा, माइनस सिक्स प्लस वन, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिक्स इंटू माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस टू, सॉरी माइनस थ्री इंटू प्लस टू और प्लस थ्री इंटू माइनस टू, इन सबका मल्टीप्लीकेशन माइनस सिक्स है, जिसमें से हमारा काम की चीज कौन सी है, अभी एडिशन माइनस फाइव आना चाहिए, तो पहले केस में एडिशन क्या आ जाता है, माइनस फाइव, देखो ना माइनस सिक्स प्लस वन, दो वाला केस आ जाएगा तुम्हारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, एक्स माइनस सिक्स प्लस वन कॉमन निकाला, बचा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो पहला ब्रैकेट बना एक्स माइनस सिक्स, सेकंड ब्रैकेट बना एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो मेरा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स एंड माइनस वन, दिस आर द राइट आंसर, क्लियर है। तो आंसर क्या हो रहा है फाइनली आपका, प्लस सिक्स एंड माइनस वन, आंसर क्या हो रहा है फाइनली आपका, प्लस सिक्स एंड माइनस, क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए जल्दी जल्दी यहाँ तक, चलो गुड आगे चले फिर, यहाँ तक समझ गए, देखो सिंपल से टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक में करने की जरूरत है। देखो डिस्क्रिमिनेंट का एक टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, जनरल देखो मैंने फॉर्मूला बताना था आपको कि ऊपर क्या लिखा था हमने, एक्स इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। देखो जनरली क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे लिखते हो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस देखो, अगर ए क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स बी इज एक्स का कोएफिशिएंट है, सी इज योर कांस्टेंट टर्म, तो फॉर्मूला ऐसा होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इससे सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखो आपको पिछला मेथड अगर हार्ड जा रहा है, जैसे देखो ये वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला में फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस मैंने कुछ और यहाँ पे टू ले लिया, चलो मान लो टू ले लिया, तो इस केस में देखो ए मेरा वन बन जाएगा, बी मेरा थ्री बन जाएगा और सी मेरा टू आ जाएगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा, नाइन माइनस फोर ए वन सी टू, ठीक है ना, वन इंटू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ रहा है, टू है, ए कितना हो रहा है तुम्हारा, वन हो रहा है, तो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो क्या होगा, माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस एट डिवाइड बाय क्या हो रहा है, टू, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस ये वन आ जाएगा डिवाइड बाय टू, देखो ना नाइन माइनस एट क्या होता है, वन, वन का स्क्वायर रूट वन, तो एक आएगा माइनस थ्री प्लस वन बाय टू और एक आएगा माइनस थ्री माइनस वन बाय टू, तो ये सिंप्लीफाई करके आएगा माइनस टू बाय टू और उसके बाद आएगा माइनस फोर बाय टू, तो सिंप्लीफाई करके आया माइनस वन है माइनस टू इज योर आंसर। देखो अगर वहां से होता है ना, ओके स्लोली हो यहाँ पे, ठीक है वापस बताता हूँ ये बुरा है, ठीक है ज्यादा फास्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं, सिंपल से लेता हूँ, ठीक है। देखो अभी फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करना, ठीक है ना, फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करना, क्या दिया आपको देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, पहला क्वेश्चन है आराम से करवाता, अभी इसके क्या फाइंड करने, आपको रूट्स फाइंड करने, मैंने ऑलरेडी एक जो मेथड बताया था वो कौन सा बताया था, फैक्टराइजेशन का, ठीक है। अभी ये सेकंड मेथड जो है इसको क्या करना है, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देखो सिंपल से कंपेयर कर लो, कंपेरिजन से दिख जाएगा, देखो आपको, देखो अगर कंपेरिजन आप सही से कर रहे हो, देखो एक ही जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, वन,
बी की जगह कितना दिया हुआ है 3 और सी की जगह कितना दिया हुआ है 2। तो बाय कंपैरिजन ए इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1, बी हो जाएगा मेरा 3 और सी हो जाएगा मेरा 2। दैट्स इट, क्लियर है ना। ए 1 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने सब्स्टिट्यूट करने की बात है। बस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, बी की जगह आएगा जो है वो 3 लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्टेप वाइज लिख रहा होगा, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना आएगा 1, सी कितना आएगा 2, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए कितना आएगा, वापस सिंपलीफाई करते हैं। अभी देखो माइनस 3 एज इट इज, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो आता है आपको कितना आता है 9 आता है, माइनस अभी देखो इनका मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास लग रहा है, देखो सब जगह अगर देखोगे तो सिंपल बोर्ड मास लग रहा है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1, एनीवन 1 ही आता है ना, तो माइनस 3 प्लस माइनस क्या हुआ 1 ही आया, डिवाइड बाय 2 है। अभी देखो प्लस माइनस साइन अगर आता है तो हम अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है ना, तो हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, माइनस 3 प्लस 1 बाय 2 एंड माइनस 3 माइनस 1 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 बाय 2 और यहाँ पे आएगा माइनस 4 बाय 2। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1 और इसका आंसर आएगा माइनस 2। व्हाट इट, यस सलमान निम्स सीटी का भी लेने वाले हैं, ठीक है ना, दोनों का बैच साथ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों का साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरा माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर इन दिस केस फॉर्मूला मेथड से। तो आपको अगर फैक्टराइजेशन हार्ड लग रहा है, आपको लग रहा है कि फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद फॉर्मूला, बट रूट निकालना आना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, यहां तक समझा सबको, फॉर्मूला मेथड में किसी को डाउट या और एक क्वेश्चन करवाना है, और एक क्वेश्चन करवाना है तो बता दो मुझे, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन करवाना है तो बता दो, हम करवाते हैं इसको, ठीक है, ओके, और एक करवाते हैं, देख देता हूं मैं तुम लोगों के लिए, ये वाला देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है, 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, आपकी मर्जी आपको कैसे करना है, बट ठीक है फॉर्मूला मेथड से करोगे तो बेटर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 दिया है, कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू डू दिस, आया किसी का, देखो मैथ्स का बहुत बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड भी होता है, मैथ्स लेके बहुत टाइम हो चुका है तो थोड़ा आर्ट जाने वाला है, ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा आपको मैथ्स आ जाएगा, ये लेंथी प्रोसेस है, बट आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 4-5 मंथ्स का आपको लीड मिला हुआ है, तो यूटिलाइज इट, अगर आप अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, अच्छा फ्यूचर टारगेट कर रहे हो, तो ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, सिद्धेश वेरी गुड, -4 -3, बट मैं फॉर्मूला मेथड से एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने अगर फैक्टराइजेशन किया होगा तो डायरेक्टली मतलब, ठीक है मैं बस मेथड चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको मेथड पता होना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फिर फॉर्मूला मेथड से नहीं होते, अपना डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से नहीं होते तो फॉर्मूला मेथड यूज करना होता है। तो देखो कंपेरिजन करोगे तो A1 आएगा, B7 आएगा एंड C कितना आएगा आपका 12 आएगा, सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करके क्या हो जाएगा बताओ मुझे, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 तो इनटू कितना हो रहा है 12, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इनटू ए मतलब कितना हुआ 2 इनटू 1, तो ऊपर एज इट इज माइनस 7 वही प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना है 14 है, सॉरी यहाँ पे 12 है क्या, 4 ऐसे तो ओके 14 है, 12 4 जा 48 आ जाएगा यहाँ पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है यहाँ पे, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर आता है हमेशा यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 अगर रैशनल रूट से, तो माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइड पर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस 7 प्लस माइनस 1 बाय 2, तो एक रूट आएगा माइनस 7 प्लस 1 बाय 2 और एक आएगा माइनस 7 माइनस 1 बाय 2, तो आंसर हो जाएगा माइनस 6 बाय 2 माइनस 8 बाय 2, तो फाइनली इज माइनस 3 एंड माइनस 4, आई थिंक बहुत लोगों का आया था, आराम से बन गया था ये वाला भी क्वेश्चन, सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं वैसे भी, सिंपल था वैसे भी, ठीक है, ठीक है, अभी देखो ये हुआ, अभी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते थे, अभी देखो फॉर्मूला आप सब सॉल्व कर रहे थे मान लो, तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में एक चीज देखा था कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाय क्या है 2,
देखो आपने ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, पर इसका मीनिंग बहुत लोगों को पता नहीं होता। अभी देखो ये जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, वो बी स्क्वायर माइनस फोर एस के। और एक मैथ्स का एक बेसिक रूल ऐसा कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रहने दो, निगेटिव टर्म स्क्वायर रूट के अंदर अलाउड नहीं होता है। मतलब रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव टर्म्स आता है तो हम किसमें चले जाते हैं, इमेजिनरी नंबर। आपने सुना होगा ना, इस बार उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर का भी क्वेश्चन दिया था जो कि सिलेबस में है ही नहीं, पर फिर भी दे दिया था उन्होंने। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में हम चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम चले जाते हैं। तो ये अभी है कि ये अगर रियल होने के लिए ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब एक तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो भी क्या होता है, मतलब नॉन निगेटिव होना चाहिए एक्चुअली। पॉजिटिव मतलब नॉन निगेटिव बोलते हैं एक्चुअली उसको, जीरो भी हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो तो ये ब्रैकेट पूरा एज इट इज जीरो हो जाएगा, सही है। तो बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन टू ए। देखो ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। मेरे दो रूट है, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, बराबर ना। अल्फा कैसे लिखते हो रे, अपन बचपन में आपने लिखा भी होगा 10वीं में, अल्फा लिखते थे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एस, ठीक है, डिवाइड बाय टू है। और बीटा कैसे लिखते थे आप, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ऐसा ही लिखते थे ना। दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही है। अभी देखो ये अगर ब्रैकेट जीरो हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो हो जाता है सपोज, तो मेरा अल्फा भी क्या हो जाएगा, ये टर्म ही निकल जाएगा दोनों में से, ये दोनों से टर्म ही आ जाएगा। इधर भी क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन टू है, और इधर भी क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन टू है। मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या हो रहे, सेम हो रहे, इसलिए सेकंड केस लिखा उसको हमने डेल्टा बोला, कि टू रूट्स आर रियल, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे या इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। मतलब एक्स एक्सिस को भी कितनी बार टच करेगा, एक बार करेगा, ये स्टार्टिंग में कंसेप्ट देखा था हमने, एक बार ही क्यों टच करेगा, एक रूट रहेगा तो एक बार करेगा, दो रूट रहेगा तो दो बार करेगा, तीन रूट रहेगा तो तीन बार करेगा। तो यहाँ पे दोनों रूट्स का इक्वल है, मतलब एक ही रूट आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो कितनी बार कर रहा है, एक ही बार। अभी मान लो ये टर्म ग्रेटर देन जीरो, ये टर्म क्या रहा है, ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूँ, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ना कुछ टर्म आ रहा है, एक टर्म माइनस बी प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म यहाँ पे आएगा, और एक के लिए क्या आएगा, माइनस बी माइनस पॉजिटिव टर्म कुछ आएगा, डिवाइड बाय टू है तो है ही है। तो ये दोनों टर्म सबको सेम नहीं रहेंगे ना, इसलिए रूट्स क्या बोला हुआ है, टू डिफरेंट रियल रूट्स बोला हुआ है। जब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो तो टू डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, तो दो रूट्स होंगे तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वो दो बार। सिंपल सा कंसेप्ट है, जितने ज्यादा रूट्स जितनी बार कट करेगा, दो रूट है तो दो बार करेगा, एक रूट है तो एक बार करेगा, जीरो रूट है तो कभी भी नहीं करेगा। और थर्ड बोला है कि डेल्टा लेस देन जीरो बोला है। अभी देखो डेल्टा लेस देन जीरो मतलब ये स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ये अगर लेस देन जीरो है मतलब क्या है, निगेटिव है। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है तो हमने ऑलरेडी देखा था कि स्क्वायर रूट को निगेटिव नहीं चलता है मैथ्स में, अलाउड है ही नहीं रियल नंबर्स में, मैथ्स में मतलब रियल नंबर्स में, तो ये रूट ही नहीं निकलेगा। तो ऐसे रूट्स को क्या नाम दिया उन्होंने, नो रियल रूट्स, मतलब उसी को क्या बोला, इमेजिनरी रूट्स बोला। जो रियल रूट्स ही नहीं है, रूट्स जीरो है, नो रियल रूट्स मतलब रूट्स क्या होता है, जीरो। रियल रूट्स क्या होता है, जीरो। तो एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या वो, नहीं। एक मैंने पिछले क्वेश्चन दिया था इसके रूट्स कितने, ऐसा पूछा था, तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। कपिल प्लीज चेंज योर ऑडियो वीडियो क्वालिटी, वहां पे एडवांस में सेटिंग में जाके चेंज करना होता है। देखो कट कर रहा है क्या, नहीं, तो इस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, डन है यहाँ तक, इजी है यहाँ तक, ये समझ में आया, कुछ रिपीट करना है इसमें जल्दी बताओ। चलो फर्स्ट ये वाले कंसेप्ट में कुछ रिपीट करना है, आपको तीन ही चीजें याद रखनी है, डेल्टा अगर ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन जीरो है तो दो रियल रूट्स आएंगे, इक्वल टू जीरो है तो एक रियल रूट आएगा, लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स, देयर इज अ नो रियल रूट। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। अभी देखो इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं एक्चुअली करने वाला था, देखिए मैं समझा बाकी लोगों को, ठीक है, वीडियो वैसे रहने वाला पहला। तो अभी देखो इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक्चुअली जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो डिटेल में, डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर्स होंगे तो और ज्यादा डिटेल में होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन दिए थे, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन है। ये मैंने थोड़ा इमेजिनरी वाला इस बार जानबूझ के ऐड कर दिया है, क्वाड्रेटिक में आता है वैसे इमेजिनरी नंबर, मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स जो निकलते हैं इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से कॉन्सेप्ट चलता है। बट सिलेबस में लास्ट ईयर उन्होंने 2021 में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने वो क्वेश्चन भी अभी इस सिलेबस में हमने आपको ऐड कर दिया है सॉल्व करने के लिए, ये वाला भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अभी हर एक टॉपिक पे बहुत सारे करवाने वाले, सो दैट आपको हेल्प हो जाएगी, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में होंगे तो बाद में आप थोड़ा प्रैक्टिस कम भी करते हो तो भी मतलब फायदा हो जाएगा उस चीज का, ठीक है ना।
ये आगे वाले अभी कंसेप्ट आज करवाने वाले, तो 1.5 घंटे के लेक्चर्स में हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अभी देखो मेनली मैं क्लास के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं हम पूरा डिटेल में कवर करवाने वाले हैं। अगर आप अलजेब्रा की बात कर रहे हो, देखो एक्चुअली क्या है, अगर आप थोड़ा सिलेबस देखते हो ना, सीईटी सेल ने देखो दिया हुआ शॉर्टकट, एक पेज में पूरा सिलेबस दे दिया। बट अगर आप टॉपिक टू टॉपिक जाते हो ना, ये बहुत ज्यादा और सिलेबस, मतलब 11 स्टैंडर्ड का या 12 स्टैंडर्ड का, आप 12 का सिलेबस उठा लो तो उससे भी थोड़ा सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर अलजेब्रा में आप देख रहे हो तो देखो फंडामेंटल ऑपरेशन से बेसिक बता दिया हमने, फैक्टराइजेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 का पूरा एक टॉपिक है, राइट। इंडाइसेस भी एक टॉपिक है कॉमर्स में, लॉगरिथम भी एक पूरा टॉपिक है, अलग से चैप्टर चलता है कॉमर्स में और साइंस में, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पूरा एक सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर है, अगर आप 12th का बुक उठा के देखते हो, ठीक है। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम का एक टॉपिक अलग से चलता है, बायनोमियल थ्योरम का एक अलग से चैप्टर है, एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अलग से चैप्टर है। मतलब अलजेब्रा में कम से कम 12th का एंड 11th का, अगर 10th का बुक मिला लोगे तो देखो कम से कम 3 से 4 चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं। मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, देखो ये टॉपिक दिया उन्होंने, मैं चैप्टर बता रहा हूँ आपको कितने हो रहे हैं, 3 से 4 चैप्टर यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने, सही है। अभी आती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात, तो पहले आता है रेक्टेंगल, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन करके 11th में एक साइंस में एक चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर इस पे होगा। फिर उसके बाद ये मिड पॉइंट, ये सब उसी में आता है। उसके बाद सर्कल, ये कोनिक सेक्शन के अंदर ही आता है, बट उसमें भी 3 पार्ट है तुम्हारा, इलिप्स हुआ, हाइपरबोला हुआ, पैराबोला हुआ, तो ये भी ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 चैप्टर की इक्विवेलेंट सिलेबस है, और ये हार्ड भी है थोड़ा, फॉर्मूलाज भी बहुत सारे, ठीक है। इस पे ज्यादा करके हमने लास्ट ईयर 1-2 ही क्वेश्चन पूछा था, और 2020 में 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, तो ये भी 3-4 चैप्टर हो गए। प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेटजी सबसे वर्स्ट, ठीक है ना, मतलब कुछ इसमें ये नहीं, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पूछा जा सकता है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी का एक 11th का भी टॉपिक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का 12th का भी टॉपिक है, कॉमर्स का बुक ले लो या साइंस का, दोनों में है उसमें। उसके बाद एवरेज का भी टॉपिक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, 12th कॉमर्स का, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए ना 12th कॉमर्स का बुक ले लो, उसमें ये पूरा है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व फिटिंग, प्रिंसिपल लीस्ट स्क्वायर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे कम से कम 3 या 4 टॉपिक बायनोमियल इसमें 12th कॉमर्स के सिलेबस में, तो ये बहुत ज्यादा और सिलेबस है, कम से कम इसमें 5 चैप्टर मिनिमम आ जाते हैं, मतलब आप कितना भी कम कर लो तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ 12th के सिलेबस में, मतलब आपने बोर्ड्स के लिए जितना नहीं पढ़ा होगा उससे ज्यादा आपको मैथ्स यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही टॉपिक है, साइंस कॉमर्स का एक का भी बुक उठा लो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी उन्होंने सिंपल आइडेंटिटीज बोला था, बट लास्ट टाइम जो मतलब जो थोड़ा हायर लेवल का होता है ना, साइंस थीटा, साइंस 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा वाला एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन डाला था उन्होंने, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा आपको दो मतलब अच्छे खासे लेवल तक करवाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 12th का टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी 12th का है, हाइट एंड डिस्टेंस 10th में भी आता है, बाकी जनरल एप्टीट्यूड में आता है, तो इसमें भी 2 चैप्टर पकड़ के चलो आप। अर्थमैटिक में देखो प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क अलग से एक बनता है, डिस्टेंस स्पीड एंड परसेंटेज, तो ये कम से कम 2 टॉपिक मिनिमम तो पकड़ के चल सकते हो, ऑपरेशन एंड प्रोपोर्शन, उससे ज्यादा होंगे ऑफकोर्स। और उसके बाद बेसिक सेट थ्योरी, सेट्स अलग से चलता है, एंड इसमें फंक्शन भी आता है, ठीक है ना, फंक्शन भी अलग से आता है, फंक्शन पे भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था, तो ये 2 अलग अलग है, बट एक बड़ा टॉपिक मान के चल सकते हैं। और मेंसुरेशन पे सबसे ज्यादा लास्ट क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट टाइम मेंसुरेशन के ऊपर आया हुआ डायरेक्टली, 10th का टॉपिक है, एक एक चैप्टर पकड़ के चलो। तो देखो ये 3 से 4 मतलब 4 पकड़ लो, 4, फिर यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 1, तो 2, 2, 4, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 12, और यहाँ से कितने हो गए तुम्हारे 17 से 20 से 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं ऑलमोस्ट पूरे मैथ्स में। सो ये छोटा टॉपिक नहीं, मतलब मैथ्स बहुत वास्ट है, तो इसलिए मैथ्स का पेपर इतना हार्ड जाता है कि इतने 20-22 चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना, कितने टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी आइडिया नहीं है। और उन्होंने क्लियरली कुछ सिलेबस का ऐसा कॉपी प्रोवाइड भी नहीं किया है, तो ये ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो इसका जितना प्रैक्टिस आप रेगुलर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स छोड़ेंगे तो बाकी सब चैप्टर्स फास्ट फास्ट हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको उसका रेगुलर प्रैक्टिस फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना, भी रीजनिंग ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है, अनप्रेडिक्टेबल है, सही।
सबसे अनप्रिडिक्टेबल है कि पूछा क्या जाएगा, तो ये इस बार हम पूरा ही कवर करवा रहे हैं, कुछ छोड़ ही नहीं रहे उसमें आपको पूरा, मतलब इस पे भी क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, उसके बाद इस पे भी आया था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पे भी थोड़ा बहुत आया था, डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आया था, उसके बाद सिक्वेंस सीरीज पे भी आया था, पजल पे लास्ट टाइम 2020 में 3 पजल दिए थे उन्होंने, ठीक है, इनपुट आउटपुट पे आया था, मैट्रिक्स फिगर मैट्रिक्स जो होता है ना कि नेक्स्ट टर्म कौन सा रहेगा उस टाइम के, ऑड वन आउट क्या होता है, पिक्चर सीरीज के जो होते हैं, पिक्चर सीरीज के 2020 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, उसके बाद पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंसेस इस बार 2021 में इसके क्वेश्चन आए थे, ऑर्डर रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आए थे इस बार 2021 में, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का 2020 में आया था क्वेश्चन, आपके पास 2 साल का स्टैटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग निकाला हुआ है ये सब पूरा, ठीक है, उसके बाद डाटा सफिशियंसी एंड ऑल एम्बेडेड इमेजेस, तो ये वाले सब क्वेश्चंस मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं उनका भरोसा, वैसे सीईटी सेल का कुछ रहा नहीं है तो पूरा ही हमें कवर करवाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें अच्छा मतलब आप एक टारगेट से कर सकते हो स्कोर का, ठीक है ना, तो ये सब टॉपिक देख लो, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, मटेरियल आपको कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब टॉपिक्स आपको करना है, तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करवाने वाले डिटेल में। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में भी देखो लास्ट टाइम मतलब वही अचानक से कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछ लिया था उन्होंने, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एक आया था, एक सेट में आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आया था बहुत सारे, उसके बाद एरर डिटेक्शन का कुछ नहीं था, बट वोकैबुलरी पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, इडियम्स एंड प्रेजेंट्स थे एंड एंटोनियम एंड सिनोनियम थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान रखना, ठीक है, तो ये पूरा करवाने वाले अपना इंग्लिश का में, और कंप्यूटर में तो ऑलरेडी जो सिलेबस था वही था, बट हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था ऑलमोस्ट, मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर जो नीम सीटी के लेवल के होते उस टाइप के क्वेश्चन आए थे, 2020 में बहुत इजी वाले क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, 2020 में बहुत इजी वाले पूछे थे, 2021 में अलग ही लेवल पे पूछ दिया, तो फिर भी हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करवाने वाले विद प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस। क्लास का टाइमिंग शाम को 7 या 7:30 बजे रहेगा, शाम को इवनिंग में रहेगा 7 से 7:30, क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले भी लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हो रही है, बट ऑलरेडी 2 अक्टूबर को हमारा सेशन हुआ था फॉर लास्ट ईयर के जो कट ऑफ था उसके बेसिस पे, आई थिंक आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा, ठीक है, तो जनरली देखो इसमें क्या होने वाला है कि ऑलरेडी हमारा आपने अगर क्यू स्टडी ऐप डाउनलोड किया होगा, क्यू स्टडी ऐप अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे 2020 का कोर्स आपको मिल जाएगा, राइट, सेम ये मैंने वहाँ पे 2021 का कोर्स, 2022 का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 2021 के सब वीडियो लेक्चर्स एडेड है, सब टेस्ट सीरीज एडेड है, जैसे आप बैच में एडमिशन लेते हो वो कोर्स का एक्सेस आपको कंप्लीट मिल जाता है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है, तो उसके पहले तो ऑफकोर्स एग्जाम होगा, तो 1 ईयर के लिए आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है। अभी इस साल में एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड होने वाला उसके बारे में मैं बताता हूँ, इस साल में जितने भी मैथ्स रीजनिंग उसके बाद आपका कंप्यूटर एंड इंग्लिश ये चारों सब्जेक्ट के जितने भी रिकॉर्डिंग होंगे टिल एग्जाम वो पूरे के पूरे कम से कम 100 तो होंगे, तो 100 प्लस रिकॉर्डिंग आपको इसमें मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मतलब क्या हो रहा है लाइव सेशन ही होंगे उसका, एज इट इज रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद अनलिमिटेड व्यूज, आप जितनी बार चाहो उतनी बार वो लेक्चर्स बार बार देख सकते हो, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन के लिए भी देख सकते हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज सब ऑलरेडी एडेड है, इस बार और नए टेस्ट सीरीज एड हो जाएंगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मतलब हर एक टेस्ट में कम से कम 100 प्लस के आसपास क्वेश्चन है, तो इससे बाहर तो कुछ आने के चांसेस नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस करोगे। मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम 20 ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, इस बार 15 प्रोवाइड किया था, इस बार और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, और 30 स्टूडेंट्स का ये बैच है जिसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 के आसपास हो गए एडमिशन, ठीक है, तो अभी कल परसों से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, रेगुलर में रहेंगे ये लेक्चर्स, ठीक है ना, और सिलेबस आपका फेब्रुवरी एंड तक टारगेट है हमारा, फेब एंड तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फेब एंड, उसके बाद 1 मंथ के लिए पूरा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, तो ये पूरा उसमें अवेलेबल रहेगा, और जो लेक्चर्स होंगे ऑल लेक्चर्स ऑन जूम मीटिंग, ठीक है, लाइव लेक्चर्स होंगे जूम मीटिंग पे, तो इंटरेक्शन भी बेटर होता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा एक 15-20 सेकंड का लैगिंग चल रहा है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है, तो जिनको चाहिए एडमिशन लेना है ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें, ठीक है ना, तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बट जिनका करना बाकी है दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पे ऑफिस के नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर ये रिसीव नहीं हुआ तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर, ठीक है, किसी को और कुछ क्वेरीज हो आप बता सकते हो, किसी को और कुछ क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है, आप मेरा नंबर भी दिया हुआ है। क्लास का टाइमिंग इवनिंग में ही रहेगा, ऑलमोस्ट वीकली वीक में एवरीडे होता है लेक्चर, ठीक है,
और मतलब ये रोटेटिंग बेसिस पे रह गया, वीक में हर एक लेक्चर रहेगा, लाइक कंप्यूटर का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा, ठीक है। अगर कभी हुआ तो मैथ्स का, अगर सिलेबस कवर किया तो रीजनिंग का बाद में होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग मेनली मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग मेनली मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जूम पे ही होंगे। जूम का आपको एक प्रॉपर एक आईडी मिल जाता है, वो डेली वही सेम इस पे रहेगा, हमारा पेड वर्जन है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑलरेडी वो मिल जाएगा, उसमें कंटिन्यूस लेक्चर होते रहेंगे, ठीक है ना, वो एज इट इज रिकॉर्ड होकर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बाद में, तो जूम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी वन जूम का वो जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया हुआ है उनको ऑलरेडी ऐड किया गया है, तो वहां पे उनको मिल जाएंगे, ठीक है ना, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनी वन और कुछ डाउट पूछना है बच्चों आपको? चलो ठीक है, आज के लिए फिर सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आई डोंट थिंक किसी को कुछ है, किसी को कुछ रहेगा यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, ठीक है ना, आप डायरेक्टली पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये नंबर मेरा है पर्सनल, ये ऑफिस का, ठीक है, चलो थैंक यू। Thank you.